राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दिन रात लगने वाले ट्रैफिक को देखकर आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा कि शायद देश और दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक में समय बर्बाद दिल्ली वासी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक भारत के बेंगलुरु शहर में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाल ही में नीदरलैंड में स्थित टॉमटॉम एजेंसी द्वारा की गई सर्वे की रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक सर्वे इंडेक्स के मुताबिक सड़कों पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले दुनिया के टॉप 10 शहरों में से भारत के 4 शहर शामिल हैं। ये शहर बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और दिल्ली हैं, जहां लोग दिन रात ट्रैफिक में फंसे नजर आते हैं। टॉमटॉम एजेंसी का ये सर्वे दुनिया के 57 देशों के 416 शहरों में किया गया। इस सर्वे के मुताबिक ट्रैफिक के लिहाज से भारत का बेंगलुरु शहर टॉप 10 देशों की इस लिस्ट में टॉप पर है, जहां औसतन 71% कंजेशन दर्ज किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तीसरे नंबर पर कोलंबिया का बोगोटा शहर है, जहां ट्रैफिक के लिहाज से स्थिति बेहद गंभीर है। बात अगर भारत की जाए तो भारत के लिए ये सर्वे चिंता बढ़ाता है। भारत के 4 शहर इसमें शामिल है। बेंगलुरु जहां इस लिस्ट में टॉप पर है, तो वहीं माया नगरी मुंबई का हाल भी ट्रैफिक से बेहाल है। सर्वे के मुताबिक मुंबई में 65% कंजेशन दर्ज किया गया है और वो इस लिस्ट में 4th नंबर पर है। तो वहीं महाराष्ट्र का पुणे शहर भी ट्रैफिक की मार झेल रहा है और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली के हालात बाकी शहरों के मुकाबले थोड़े बेहतर जरूर हैं, लेकिन पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम में फंसकर दिल्लीवासी भी अपना समय जरूर बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि 2018 में हुए सर्वे के दौरान मुंबई का स्थान टॉप पर था, लेकिन तब एजेंसी ने बेंगलुरु को इसमें शामिल नहीं किया था। वहीं इस सर्वे के बाद टॉमटॉम इंडिया के महाप्रबंधक वर्नर वैन हेस्टीन ने कहा है कि दुनिया भर में ट्रैफिक कम करने के लिए काफी काम किया जाना है। कार शेयरिंग से भीड़भाड़ कम करने में काफी मदद मिल सकती है। तो वहीं भारत के लिए ये सर्वे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला है। केंद्र सरकार के लिए ये आंकड़े चिंता का कारण न बन जाएं, इसके लिए केंद्र सरकार को कई जरूरी कदम उठाने होंगे। ट्रैफिक की गंभीर समस्या से निपटना होगा और ऐसे में उन्हें न केवल सड़कों के चौड़ीकरण पर काम करना होगा, बल्कि सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा देना होगा। तभी मुमकिन है कि भारत इस सर्वे में इस लिस्ट से अपना नाम हटाने में कामयाब हो पाएगा। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।